हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग पैशन विद अंशु। आज आपके लिए मैं बहुत ही हेल्दी और सेहतमंद रेसिपी ब्रेकफास्ट में लेके आ गई हूँ, जो कि आपका वज़न घटाने में भी मदद करेगी। जो कोई वज़न घटाना चाहता है तो इस रेसिपी को ट्राई करे। तो चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मटर लेनी है, उसको एक ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड दरदरा पीस लेना है, उसे ज़्यादा नहीं पीसना है। उसके बाद एक प्याज लेनी है, मैं उसे चॉप कर लेंगे। प्याज चॉप होने के बाद अब उसमें जो मटर को हमने दरदरा पीसा है उसमें ग्रेट करके अदरक को मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैंने अमूल का पनीर लिया है, आप कोई भी पनीर ले सकते हो। मेरी आधा किलो मटर है तो उसके लिए मैंने 100 ग्राम पनीर को ग्रेट करके उसमें ऐड किया है। आप अपने मटर की क्वांटिटी के अनुसार पनीर को ऐड कर सकते हैं। तो आप पनीर ऐड कर देंगे हम। उसके बाद ये उसमें जो चॉप प्याज किया है उसको डाल देंगे, और मैंने एक कप आधा कप बेसन ऐड किया है। इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, ऑरिगेनो डाला है। आपके पास मिक्स हर्ब्स हो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाले हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा काला नमक डाला है और थोड़ा सफ़ेद नमक, दोनों नमक डाले हैं। उसके बाद इस सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसमें पानी की किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे अपने आप मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे से ऐसा मिक्स करो कि सारे जो मसाले ऐड किए हैं वो मिक्स हो जाएं। आप लहसुन खाते हो तो आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। ये एक अच्छा सा स्ट्रब बन के तैयार है टिक्की बनाने के लिए। अब इसे हम लेंगे थोड़ा थोड़ा और इसे गोल करेंगे, प्रेस करके इनकी टिक्की बना लेंगे। इन सब पूरे डो की हम टिक्की बना लेंगे। और उसके बाद एक तवा गरम करेंगे, उस पर कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अगर आप घी खाते हैं तो घी ऐड कर सकते हैं। सरसों के तेल में बनाना चाहते हैं तो सरसों के तेल में बना सकते हैं। और इस रेसिपी के लिए ग्रीन चटनी बनाएंगे तो हरी मिर्च लेनी है, धनिया लेना है, अदरक डालना है, दही डालना है और थोड़ा सा काला नमक डाल के इसे पीस लेंगे। ये चटनी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद में तेल गर्म हो चुका है, उस पर ये सारी टिक्कियाँ रख देंगे। और उसके इसे हरा भरा भरा लुक देने के लिए, हरा भरा कबाब लुक देने के लिए इस पर ऊपर से काजू को, हाफ काजू को लगा देंगे, हाफ कर करके और पलट के फिर दोनों दूसरी साइड सेक लेंगे इसे, कि काजू भी अच्छे से सेक जाए। दोनों साइड में अच्छे से सेक लें, थोड़ा सा प्रेस करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही। आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करें तो बहुत ही अच्छा ये कलर देंगे। तो इन सभी को फिर एक बार पलट के देख लें नीचे से सिके हैं या नहीं। आप देख सकते हैं दोनों साइड से ये पक चुके हैं। अब इसे एक हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये नाश्ता में बहुत ही हेल्दी रहते हैं, आप इवनिंग स्नैक्स भी बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।